This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे नेता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार मिली है। यहाँ सपा और कांग्रेस का गठबंधन सबसे बड़ा अलायंस बनकर उभरा है, जबकि NDA नंबर 2 पर रहा। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव एक्शन में आ गए हैं। वो राज्यसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। संसद भवन के बाहर 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड थे। तीनों संदिग्धों ने संसद भवन के गेट नंबर 3 से घुसने की कोशिश की थी। बीजेपी ने आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा और समीक्षा होगी। अमेठी सीट को लेकर गांधी परिवार ने बेहद शानदार रणनीति बनाई है और उन्हें अमेठी की उम्मीदवारी को लेकर सेफ गेम खेला है। नामांकन के आखिरी दिन राहुल के लिए अपेक्षाकृत मजबूत रायबरेली सीट चुनी गई है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 हर साल पूरी दुनिया में 7 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से पूरी दुनिया में इस खास दिन को मनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग खाने वाली चीजों के महत्व को समझें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दावा किया है कि NDA अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास लगभग 300 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। MPA और महायुति के नेता एक दूसरे के बयानों और दावों को जिक्र कर जमकर निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र में कुश्ती संघ से हटाए जाने की खबरों पर अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें नहीं बताया गया है। TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान संजय राउत भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी दिया है। कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अजित पवार गुट के कुछ विधायक शरद पवार की पार्टी के संपर्क में हैं। पार्टी की बैठक में अजित पवार के विधायकों ने सब कुछ साफ कर दिया। भारतीय शेयर बाजार की आज सपाट ओपनिंग हुई है। इससे न तो ग्लोबल बाजारों से कोई सपोर्ट मिला है और न ही विदेशी निवेशकों की खरीदारी का समर्थन मिल पा रहा है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से शुक्रवार 7 जून को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। दास की ओर से रेपो रेट को लगातार 8वीं बार यथावत 6.5% पर बरकरार रखा गया है। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हो चुकी है। 8 से 9 जून तक मुंबई में भी मानसून दस्तक दे देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर T20 वर्ल्ड कप का बड़ा उलटफेर किया है। वैसे तो इस मैच के कई हीरो रहे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने पूरे गेम को MS धोनी की तरह कंट्रोल किया और अमेरिका की जीत की कहानी लिखी। भारत पाकिस्तान के बीच 9 जून को मुकाबला होगा और इससे पहले बड़ी खबर आई है कि इस मैच में इस्तेमाल होने वाली पिच ही बदल गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की 7 दिन की कमाई के आंकड़े आ गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर के तले कई फिल्में आने वाली है। ये फिल्में अलग अलग प्रोडक्शन स्टेज में हैं। इस लिस्ट में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज, सिद्धांत चतुर्वेदी की धड़क 2, आर्या भट्ट की जिगरा का नाम शामिल है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBCN न्यूज। नमस्कार।